तृतीय पर्याय ट्विन सिटी में पड़ भोट निर्वाचन पूर्व राति भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र में जोरदार होई चेकिंग विशेषकर राजधानी विभिन्न बड़ बड़ छक निकट में चेकिंग जोरदार चली राति 10:30 ए चेकिंग होई प्रत्येक गाड़ी को अटकई जांच करा जाउछि तेरे वर्तमान समय आम सहित आम प्रतिनिधि कालीचरण जोड़ी जाइंट जहाँकि विभिन्न छक वर्तमान समय पुलिस जांच कर खबर कालीचरण कौन देखुंत आप चित्र देखंतु विजयलक्ष्मी आसंता काली देशर षष्ठ पर्याय निर्वाचन तथा ओडिशार तृतीय पर्याय निर्वाचन रही सबुठारु बड़ कथा हेउची ए तृतीय पर्याय निर्वाचन रे भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र भली एक गुरुत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र रे निर्वाचन हेबाकु जाउची जेहेतु भुवनेश्वर हेउची राज्यर राजधानी तेबे एठी निर्वाचन बेस गुरुत्व बहन करे अर्थात भुवनेश्वर निर्वाचन पूर्व कड़ाकड़ी की चेकिंग को कड़ाकड़ी अर्थात काली जेहेतु निर्वाचन रही यार पूर्व राति अर्थात आज भुवनेश्वर जोरसोर चेकिंग हो मोर कैमरा पर्सन विकास को अनुरोध करी देखेबे वर्तमान आम कल्पना छक निकट रही ये हूँ सीधा सड़क दृश्य रसलगड़ पटु आसुवा गाड़ीगुड़ी सीधा सड़क भाव में चेकिंग कारण देखु आसंता काली जेहेतु निर्वाचन रही निर्वाचन पूर्व राति हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण राति से मद पीवा मद पे गाड़ी चलवा कथ कहतु किंबा टंका बांटिबा कथा कहतु सबु क्षेत्र में निर्वाचन पूर्व राति हूँ एक गुरुत्वपूर्ण राति ए निर्वाचन पूर्व राति टंका बांटी भोटर मान मोड परिवर्तन करिथांती नेता माने जेहेतु काली ए सीधा सड़क दृश्य देखिपे जो गाड़ी ड्राइवर माने आने मद पीछे कि नहीं जेहेतु नेट नाइट है राति 11 पर है से मद पीछे कि नहीं सेगुड़ी को चेकिंग चली सीधा सड़क भाव में जदि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ देखा काली भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र सहित भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र निर्वाचन होगा जावाचन जोरसोर चली चेकिंग अर्थात यही राति में जमी कि अप्रीतिकर घटना न घटू कारण देखु निर्वाचन पूर्व राति सबु संसदीय क्षेत्र यह गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व बहन कै भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र बेस गुरुत्व बहन करुच्ची जदि देखा तेब ये कल्पना छक दृश्य आप देखुवे केवल कल्पना छक नुह एमती भुवनेश्वर जो सब बड़ बड़ छक रही से सब छक बर्तमान राति 10:30 चेकिंग आरंभ है और राति 11 ए चेकिंग जोरसोर आरंभ हो सीधा सड़क कल्पना छक दृश्य आप देखिपे कौ भाई भाव में प्रत्येक गाड़गुड़ डिक्की चेक कर सीधा सड़क भाव में कौ गाड़ी में जदि किसी राति में टा जा जेहेतु पूर्व निर्वाचन पूर्व राति एमती बहुत गाड़ी टाइम गाड़ी को पूरा तन तन कर जांच करे गाड़ी चालक रही मद्यपान कर जांच करश्य आप जमी कहते 10:30 चेकिंग आरंभ है तो बर्तमान जोरसोर ये चेकिंग चली कालीचरण आज्ञा ये चेकिंग बर्तमान जोरसोर चली विजयलक्ष्मी और सबुठ बड़ कथा हूँ प्रत्येक गाड़ी को तनाघना कर चेकिंग करमी गाड़ी में कौन मद्यप जिनस कि टंका जमी निर्वाचन क्षेत्र गुड़ी को जाई न पारे कारण देखंतु प्रत्येक निर्वाचन राति अर्थात निर्वाचन पूर्व राति बेस निर्वाचन मानक टंका दे भोटर मान मन किणा जाए नेता मानों यहीटा ही शेष सुजोग अर्थात काली 6टा पर नेता माने कौन सुजोग पाई ना यही राति को अंधारी राति कहुए अर्थात अंधार राति में टंका बंटन करमी ए सबू क्षेत्र जेहेतु भुवनेश्वर भाई एक सेनसीटिव जगह भुवनेश्वर देखूँ भुवनेश्वर जेहेतु राज्यर राजधानी अटे ये प्रत्येक कार्य प्रत्येक कार्य को तनाघना कर चेकिंग करेंगे तेणु निर्वाचन जेहेतु रही तेणु निर्वाचन जोरसोर चेकिंग आरंभ हो जो मैंने मद्यपान कर गाड़ी चलाउं से प्रति कठोर कार्यानुष्ठान पुलिस कमिशनर पक्ष निर्देश रही व्यतीत सबुठ बड़ कथा टंका जेहेतु निर्वाचन पूर्व राति टंका कहतु शाढ़ी कहतु यह सब बंटन करण यह सब बंटन कलापर ही भोटर मान मन पर मुख्य छक मान वर्तमान समय कड़ाकड़ी चेकिंग किंतु जो गली कंदी रही सेठारे मध्य वर्तमान समय जो देखिबा ताले से बाबद वर्तमान समय पुलिस पेट्रोलिंग करा जाउछि कि देखंतु पुलिस पेट्रोलिंग जोरसोर चली गली कंदी गुड़िकर जेहेतु गाड़ी गुड़ा कम जाए कारण सेगुड़िकर बेसी अंधारी विजय कार्यक्रम होता है अर्थात अंधारी कार्यक्रम अर्थात अंधारे टंका बंटन कर
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିଥାଏ, ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦି କଥା ଆପଣ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଜୋରସୋରରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟଙ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯେତିକି ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସମୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ। ଜୋରଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକା ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହୁଏତ ଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବାବଦରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10:30 ଏ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି DCP କିମ୍ବା CP ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୁଏ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଜବତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆଣିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କାଲି ଜଣେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ PCR ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ଚରଣ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।